नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कहते हैं कि यदि नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग भी मजबूत बनती है। वैसे यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटर करने की प्लानिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन इस मार्केट के बारे में जो बेसिक एक जानकारी होती है यदि आपके पास नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, जिससे कि आप भी इस मार्केट की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है, जिसमें कि आपको कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है, उसको आप समझ करके इस मार्केट में आप इंटर करें और इस मार्केट से आप ढेर सारा रिटर्न कमा सकें और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकें। स्टॉक मार्केट में इंटर करने वाले व्यक्ति के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो कि हम इस वीडियो में आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि स्टॉक या शेयर क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल यहां पे देखिए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी है और आप कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब आप एक इलेक्ट्रिक कार की फैक्ट्री आप लगाना चाहते हैं जिसके लिए कि 500 करोड़ रुपए फंड की रिक्वायरमेंट है। अब ये 500 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आएंगे? सबसे पहला जो सोर्स है, या तो आप अपना खुद का जो आपने पैसे जुटा के रखे हैं वो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और पैसे की जरूरत होगी तो आप अपने फ्रेंड से लेंगे, और पैसे की जरूरत होगी तो आप अपने रिलेटिव से लेंगे, या फिर आप बैंक को अप्रोच करेंगे कि बैंक आपको कुछ पैसे जो है लोन के तौर पे उधार दे दे। जैसे आप मान लीजिए कि इन लोगों से आपने 400 करोड़ रुपए इकट्ठा, सॉरी 100 करोड़ रुपए ही आपको इन लोगों से इकट्ठा हो पाए, बाकी 400 करोड़ रुपए भी आपको भी और जरूरत है, तो ये पैसे आपको कहां से मिलेंगे? इसके लिए आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक तो आपको पैसे देगी, जब आप पब्लिक को अपना बिजनेस मॉडल समझाएंगे, आप ये बताएंगे कि हम इलेक्ट्रिक कार लगाने जा रहे हैं, इसके लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, और पब्लिक को यदि आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा आ गया, आपका आपका बिजनेस मॉडल उन लोग को पसंद आ गया, तो वो लोग पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे। पब्लिक आपको पैसे बेशक उधार देगी, लेकिन पब्लिक को भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो पब्लिक जो है आपके बिजनेस में एक शेयर लेना चाहती है, हिस्सेदारी लेनी चाहती है, जो आपको उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कोई ब्याज कमाने के लिए आपको पैसे नहीं दे रही है, आपके बिजनेस में वो पार्टनरशिप करना चाहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या करेंगे, जो कंपनी है वो 400 करोड़ रुपए जो उसको ज़रूरत है, इसको वो क्या करेगी, शेयर में कन्वर्ट कर देगी। जैसे यहाँ पे एक शेयर 400 रुपए का होगा और 1,00,000 शेयर कंपनी इन पब्लिक के बीच में इशू करेगी, तो पब्लिक जो भी पब्लिक जितना भी शेयर लेगी इस कंपनी का, वो उसकी उस कंपनी का उतना वो हिस्सेदार बन जाएगा, मतलब वो को ओनर बन जाएगा। तो कंपनी के बिजनेस में जो आप पैसा दिए हैं उसके बदले में जो आपको कंपनी ये शेयर दे रही है, यही जो हिस्सेदारी होती है वो शेयर कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है कि यार ये स्टॉक या शेयर मार्केट क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने पब्लिक से पैसे ले लिए हैं और फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर दी है, उसमें काम स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक के पास शेयर आ गया, मान लीजिए कि आपने शेयर उस कंपनी का खरीदा है और आपको बीच में पैसे की जरूरत यदि पड़ जाती है, तो कंपनी आपके शेयर को नहीं खरीदेगी, ठीक है। वहां पे फिर क्या करना होगा, आपको एक ऐसा बाजार चाहिए जहां पर कि आप उस शेयर को बेच सके। तो जिस बाजार में शेयर को आप बेचने जाते हैं वो बाजार क्या कहलाता है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहलाता है। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे कि आप शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस मार्केट में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप रिलायंस के शेयर ले लिए, आपने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर ले लिए, और आपको कुछ समय के बाद उस शेयर को आपको बेचना है, तो बेचने के लिए आप मार्केट में जब जाएंगे तो आपसे कोई दूसरा पर्सन ही उस शेयर को आपसे खरीदेगा और बदले में आपको पैसा वो दे देगा, लेकिन कंपनी ने तो अब काम स्टार्ट कर दिया, कंपनी के पास अब आपको देने के लिए पैसे नहीं। क्यों? तो जो शेयर मार्केट होता है उसके लिए बकायदा एक्सचेंज बनाए गए। इंडिया में दो तरीके के एक्सचेंज है जहां पर कि आप जाके अपने शेयर को बेच सकते हैं और शेयर को दूसरी कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हैं। पहला तो है कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मुंबई में स्थित है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो ये जो BSE और NSE में जा करके आप अपने शेयर को ऑनलाइन तरीके से आप सेल कर सकते हैं और दूसरे शेयर को आप परचेस कर। थर्ड क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है, साथ आपको भी ये क्वेश्चन आता होगा कि शेयर मार्केट में क्या रिस्क है। अगेन मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस बिजनेस में आप भी पैसा उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, इसका मतलब कि आप उस बिजनेस में एक हिस्सेदारी आपके पास भी है, तो यदि आपके फ्रेंड का बिजनेस अच्छे से चल गया तो आपको भी मुनाफा होगा, आपकी भी कैपिटल बढ़ेगी,
यदि उस बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को भी आपको झेलना पड़ेगा। तो नुकसान का रिस्क तो हर जगह रहता है। शेयर मार्केट में ही जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो इसका मतलब उस कंपनी के बिजनेस में आप हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी के को ओनर बन चुके हैं। तो कंपनी जब अच्छा करेगी, कंपनी का जब सेल अच्छा होगा, कंपनी जब प्रॉफिट करेगी तो आपको उसमें शेयर मिलेगा, आपको उसमें हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। लेकिन यदि वही कंपनी को बिजनेस में नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो लॉस आपको भी झेलना पड़ेगा। तो ये रिस्क तो शेयर मार्केट में भी होता है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है कि लगभग 5000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। हर एक कंपनी में सारी कंपनियाँ वैसी नहीं होती हैं, कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप MRF का एग्जाम्पल ले लीजिए, विप्रो का ले लीजिए, आयशर मोटर्स का ले लीजिए, जिन्होंने कि अपने शेयर होल्डर्स को पिछले कई सालों में उन्होंने उन्हें 10 गुना तक का रिटर्न दिया है। मतलब आप समझिए कि यदि आप विप्रो में 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए होते तो आपका 10 लाख रुपये बन गया होता। वैसे MRF ने भी बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने दिया हुआ है। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो डूब जाती हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो रिटर्न देती हैं। तो यहां पे रिस्क तो बिजनेस में होता है, लेकिन साथ में आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, और रिस्क को मिटिगेट करने की टेक्निक भी है, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न इस मार्केट से आप कमा सकें। कंपनी में जो भी आप शेयर लेते हैं उसके बदले में जो पैसा आप दे रहे हैं कंपनी को, वो एक लोन की तरह नहीं होता, आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। यहां पे शेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट या लॉस में आपको हिस्सेदारी आपको मिलती है, जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको भी फायदा होगा। शेयर मार्केट में रिस्क है, लेकिन रिस्क को मिनिमाइज करने की भी कुछ टिप्स आपको मैं देना चाहूंगा। मोर नॉलेज मोर प्रॉफिट विथ लेस रिस्क। कहते हैं कि यदि किसी फील्ड में यदि आपको नॉलेज है उसका, तो उस फील्ड में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर रिस्क आपकी कम हो जाती है और प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं ना, उनकी जो इंटेंशन होती है वो पहले से उनको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली रहती हैं उनके फ्रेंड या रिलेटिव से कि शेयर बाजार में जो लोग आते हैं वो करोड़पति बन जाते हैं, शेयर बाजार एक कसीनो है, एक लॉटरी की तरह है, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, लोग एक रात रातों रात ओवरनाइट में करोड़पति बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। शेयर मार्केट एक कैसीनो या लॉटरी नहीं है। तो इसलिए यदि आप इस इंटेंशन से इस बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो आपका रिस्क ज़्यादा है कि आपका पैसा यहाँ पर डूबने वाला है, ठीक है। लेकिन आप नॉलेज लेकर के आते हैं इस मार्केट में, नॉलेज लेके इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ पे पैसा बनना तय है। तो यदि मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए कि उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, और कंपनी जो है कंपनी का प्रॉफिट कितना, उसकी बैलेंस शीट देखने आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने आनी चाहिए। तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। इसके बाद यदि आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, इंट्राडे हो गया, फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गया, ये सब करने आ रहे हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस जरूर से आनी चाहिए। और तीसरे जो कैटेगरी के लोग होते हैं वो यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं। मतलब उनका एक स्पेकुलेशन होता है कि आज मैं खरीदूंगा और उसके बाद प्राइस इतने बढ़ेगा तो मैं इसको बेच करके निकल जाऊंगा। मतलब कोई शेयर यदि 320 रुपये का चल रहा है तो वो पहले से माइंड मेकअप कर लेते हैं कि 340 पे जैसे ही पहुंचेगा मैं इसे बेच दूंगा। तो यदि आप इस इंटेंशन से यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पैसा बनाने के बजाय आप यहाँ पे डूबोएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हैं। आप प्राइस को क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं। पता चला वहाँ तक वो प्राइस गया ही नहीं तो आप नुकसान करके बाहर निकलेंगे, और लॉस होगा तो आप बाहर आकर के बोलेंगे शेयर मार्केट खराब है, इसमें पैसा बनता नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कभी भी गैम्बलिंग की तरह इसे नहीं ट्रीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शेयर बाजार में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें कितना रिटर्न यहाँ पे मिलता है, क्या 10% मिलेगा या 20% मिलेगा, 30% मिलेगा। तो ये कोई क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपको कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का पोर्टफोलियो बना रखा है। जैसे कि बहुत सारे लोग सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वहाँ पर वो स्टॉक यदि अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है उस कंपनी का, तो उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जब आप किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक स्टॉक
स्टॉक जो है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लीजिए, जैसे 8 और 10 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो आप बना लीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। तो यदि उसमें मान लीजिए कि 3 से 4 कंपनियां यदि ख़राब भी परफॉर्म करती हैं, तो बाकी कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म करेंगी तो वहां पे आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा और आपको वहां पे रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आप जो है इस मार्केट से यदि आप अच्छे तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस है आप करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आपको आती है, यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इस मार्केट से 15 से 20% का एक आइडियल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। मतलब कि कम से कम 5 साल तक का आप नज़रिया लेकर के इस मार्केट में आते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पे 5 साल तक का टाइम दूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, और 15 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट यदि आप करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूर से यहाँ पे ये रिटर्न मिलेगा। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न जो है मिल सकता है मार्केट से, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो स्टॉक पिकिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप इसके लिए जो है पूरा अच्छे से रिसर्च करके यदि आप क्या बोलते हैं स्टॉक को खरीदते हैं कंपनी के, तो वहाँ पे आपको रिटर्न इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आप जैसे कि FD से या गोल्ड से या रियल इस्टेट से यदि आप कंपेयर करेंगे, तो FD और गोल्ड रियल इस्टेट में इस समय 7-7.5% का आप जानते हैं कि यहाँ पे रिटर्न मिलता है, तो उसके मुकाबले तो यहाँ पे आपका कई 2 गुना तक का आपको रिटर्न यहाँ मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा का आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, इतना मिनिमम एक्सपेक्ट करके आप इस मार्केट में इंटर करिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेयर मार्केट यदि हमें स्टार्ट करना है तो हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा, इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, और आपको एक सिग्नेचर चाहिए ब्लैंक पेज पर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपका रहेगा। तो आप चाहें तो जीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में, या फिर आप स्टॉक में बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो जीरो डिस्काउंट ब्रोकर होती हैं इंडिया में, आप उनके यहाँ डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उनके जो चार्जेस हैं, चार्जेस भी बहुत ही कम चार्जेस लेते हैं वो लोग। जीरोधा में यदि आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो 200 रुपये आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है, और ट्रेडिंग वगैरह पे इनका बहुत ही कम चार्जेस है। इसके लिए आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। जीरोधा में यदि आप ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक से क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमैट अकाउंट आपका 3 से 4 दिन में ओपन हो जाता है। इसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने से हमें स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आने पे हमें खूब ढेर सारा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। बहुत लोग कम पैसे लेके आते हैं, लीवरेज का यूज़ करते हैं, मतलब कि उनको 1,000 रुपये पे 10 गुना लीवरेज मिल जाता है, तो 10,000 का माल उठा लेते हैं, बाद में पता चलता है उनका 1,000 रुपया भी डूब जाता है। तो वो लीवरेज वाला काम नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1,000 रुपये पर मंथ से आप स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि आप ITC का शेयर हो गया, या फिर 1,000 के अंदर जो भी स्टॉक हैं उनको आप उठाइए, ठीक है, और उसमें जो है आप हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, अभी आप स्टूडेंट होंगे तो आप 1,000 रुपये से इन्वेस्ट करेंगे, बाद में आप जॉब करने जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप हर साल उस इन्वेस्टमेंट को आप 16% के रेट से आप ग्रो करिए। जैसे पहले ईयर में आप 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके बाद सेकेंड ईयर में आप इसका 16% आपने इंक्रीज कर दिया, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 13,920 हो गया। इस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे, 25 ईयर्स तक आपको ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना है। 25 ईयर्स के बाद यू कैन बिलीव मी कि आप 1,10,00,000 तक इस मार्केट से आप बना सकते हैं। तो आपको रिटर्न यदि कैलकुलेट करना है, SIP कैलकुलेटर का आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप SIP कैलकुलेटर आप टाइप करें, यहाँ पे आपको अपना मंथली इन्वेस्टमेंट इंटर करना है, और यहाँ पे आप कितना हर साल स्टेप अप करेंगे, कितना आप जो है उसमें अपना बढ़ाएंगे SIP को, तो जैसे 16% हमें इंक्रीज करना है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से 15% का रिटर्न, और उसके बाद हमारा जो टेन्योर रहेगा मतलब पीरियड वो 25 साल का रहेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ कैलकुलेट माई रिटर्न पर आपको जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 29,90,000 आपने इन्वेस्ट किया लगभग 30,00,000 के आसपास, और आपका 25 साल के बाद जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाती है वो 1.1 करोड़ रुपीस हो जाती है। तो ये है SIP का पावर, कंपाउंडिंग का पावर, जो आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ही देखने को मिलता है।
तो सबसे लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि स्टॉक मार्केट जब इतना अच्छा है, इतना अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल रहा है, 30 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 25 साल में वो 1 करोड़ 10 लाख बन जा रहा है, ठीक है, जब कंपनियाँ यहाँ पे अच्छी अच्छी हैं, अच्छा रिटर्न दे रही हैं, तो फिर इसका नाम क्यों इतना ख़राब है, वाई स्टॉक मार्केट नेम इज़ सो बैड। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि आप जब गोल्ड खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तो क्या आप उसको तुरंत कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में ही आप उसे बेच देते हैं? जनरली ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप गोल्ड खरीदते हो, गोल्ड जो है आपके जनरेशन टू जनरेशन पास होता चला जाता है। कोई भी ज्वेलरी आपने खरीदा आपके फैमिली मेंबर में, तो ज्वेलरी कोई तुरंत नहीं बेच देता है, ठीक है। जमीन वगैरह हो गया, उसको आप तुरंत नहीं बेचते हैं, आप लंबे टाइम तक उसे रखते हैं, तब जाकर के उसकी वैल्यू जो है कुछ समय के बाद पता चलती है कि कितना उसकी वैल्यू आपको बढ़ी हुई मिल रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम कुछ अच्छी कंपनियों को हम खरीद लेते हैं, उनके शेयर को खरीद लेते हैं, लेकिन हम उसको बढ़ने नहीं देते। हम खरीद लेते हैं, हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाता है और आने के बाद हम उसको तुरंत बेच देते हैं। तो जैसे आपने उस कंपनी को जैसे ही आप सेल करते हैं, वो कंपनी इतनी तेजी से भागने लगती है कि आपको बाद में पछतावा होता है। होता क्या है कि यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं 1 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये का, उसमें सोचते हैं कि हम 1,000 को 1 लाख रुपये डाल देंगे, 2 रुपये हो जाएगा तो 2 लाख बन जाएगा, 3 लाख बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब उनका वो एक लाख रुपये जब 50,000 पे आ जाता है, तो वो बेच करके निकल जाते हैं। या फिर कोई भी कोई उनका रिलेटिव हो गया, कोई फ्रेंड हो गया आपका, और वो आपको आकर के कहता है कि भाई मैंने इस मार्केट से तो 40,000 रुपये 50,000 रुपये बना लिए, मैंने 2 महीने में जो है पैसे को डबल कर दिया। तो आप भी उन बातों को सुन करके आप भी स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं, किसी कंपनी के शेयर में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और आपका भी ये इंटेंशन रहता है कि हम भी रातों रात यहाँ पर करोड़पति बन जाएँ, हमारा भी जो इनकम है वो 1 महीने में जो है डबल हो जाए, या हम तुरंत लगाएँ पैसा तो हमको 10,000 का प्रॉफिट 20,000 का प्रॉफिट एक ही दिन में हो जाए। तो ये सारी इंटेंशन आपकी होती है। अब करोड़पति कोई रातों रात करोड़पति स्टॉक मार्केट से कैसे बनेगा? या तो वो लॉटरी खेले, या तो फिर वो कोई गैम्बलिंग करे, जुआ वगैरह खेले, तब जाकर के यदि उसकी किस्मत अच्छी रहेगी तब वो रातों रात करोड़पति बन सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो ऐसा नहीं है। तो इस इंटेंशन के साथ जो लोग आते हैं और उनकी जब ये मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, तो फिर वो बाहर निकल के इस मार्केट का नाम खराब करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, वहाँ पे नुकसान हो जाता है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लोग बदनाम करते हैं। अब होता क्या है कि इन लोगों की ये मेंटालिटी बनती कैसे है, क्यों ये इस प्रकार का इंटेंशन लेके आते हैं? वो लोग क्या करते हैं, कोई न्यूज़ वगैरह उन्होंने पेपर में देखा या टीवी पे देखा, कोई कंपनी का स्टॉक उसमें बताया जा रहा है, उसी कंपनी का स्टॉक जाके खरीद लेते हैं, बिना कोई उसका एनालिसिस किए, बिना कोई रिसर्च किए उसको खरीद लेते हैं। या कोई उनका फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव हो गया, उन्होंने उसको सजेस्ट कर दिया तो वो खरीद लेते हैं, या फिर किसी ने जो है चार्ट वगैरह बता दिया कि इस चार्ट में जो है अच्छा सपोर्ट पे है स्टॉक, खरीद लो, यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, लेकिन वो लोग खुद एनालिसिस नहीं करते हैं। और जो है सी वाला पॉइंट में है कि कोई भी पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं 1 रुपये 2 रुपये का, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि पेनी स्टॉक का कोई भी ना पास्ट है ना फ्यूचर है। ये कंपनियां बहुत ही छोटे लेवल की होती हैं, कब ये कंपनियां लॉस में चली जाएंगी, कब बंद हो जाएंगी, ये आपको भी नहीं पता है। तो आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की, वो आपको मैनेज करके चलनी है। इस मार्केट में आपको ये सब जो एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 15-20% का जो रिटर्न है वो आइडियल माना जाता है, उसी को आपको बस इतना एक्सपेक्ट करके चलना है। हो सकता है कि आपका जो है लक अच्छा रहेगा तो आपको अच्छा भी रिटर्न मिल सकता है। आपकी यदि एनालिसिस अच्छी है, टेक्निकल फंडामेंटल अच्छे से आता है आपको, तो आपको रिटर्न ज़्यादा भी मिल सकता है। वरना 15-20% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इस मार्केट से। यदि आप 15-20% का भी रिटर्न लेके चलते हैं, तो आपका पैसा 4-5 साल में यहां पे डबल हो सकता है, ठीक है। आपको 72 रूल्स फॉलो करना है, तो आप जो है 4-5 साल में डबल कर सकते हैं। यदि आप FD वगैरह से कंपेयर करेंगे, तो FD में इस समय के रेट से लगभग 9-10 साल में पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पीरियड लग रहा है, लेकिन यहाँ तो आपका 4-5 साल में ही डबल हो रहा है। तो आपको इतना एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए इस मार्केट से। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया, शायद आई होप कि आपको उसका सारा आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक मार्केट की ही क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।